आज अकाली दल की पार्टी के 100 साल पूरे होने पर पंजाब के मोगा में बड़ी रैली हुई। अकाली दल ने इस अवसर पर एक नया कॉम्बिनेशन बनाने की भी कोशिश की और ये गठजोड़ है बीएसपी और अकाली दल के बीच। अकाली दल की इस रैली में भारी भीड़ आई थी। मंच पर बीएसपी के महासचिव सतीश मिश्रा भी थे और इस रैली में सुखबीर सिंह बादल ने 4 बातें कही, जिसमें दलित और किसानों की बात कही गई, पंजाब की राजधानी का मुद्दा उठाया और साथ ही ऐलानों की छड़ी लगा दी। लेकिन सवाल यह है कि मोगा में आज जो हुआ उसका कितना असर होगा? गुरु प्यारी साध संगत जी, गज के फतेह बुलाओ, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। 32% दलित वोट की लड़ाई बादल परिवार और बीएसपी को एक साथ मंच पर लाई। फिर से नए रिश्ते बने हैं, नए इक्वेशन बने हैं। बीएसपी के साथ से अकाली दल को बड़ी उम्मीद दिख रही है। मैं सारे पंजाबियों नूं कहना चाहुंदा हां, इस इलेक्शन की लड़ाई विच 4 हुण फ्रंट हो गए हैं। एक बीजेपी ने अपना फ्रंट बना लिया, एक कांग्रेस का फ्रंट है, एक आम आदमी पार्टी का फ्रंट है, एक श्रोमणी अकाली दल बीएसपी का फ्रंट है। चारां चों थोड़ी अपनी पंजाब की, थोड़ी अपनी मां पार्टी, अपना फ्रंट कला श्रोमणी अकाली दल ते बीएसपी दा। बीएसपी भी पंजाब दी पार्टी है, बीएसपी दा जन्म भी पंजाब छोया। बाबू कांशी राम जी ने पहला इलेक्शन पंजाब च लड़िया। आ बहुजन समाज पार्टी दी मूवमेंट पूरे देश विच बाबू कांशी राम जी ने पंजाब तो शुरू करके पूरे देश च लेके गए। स्वादो पार्टियां थोड़ा दुख दर्द जानदियां। अकाली दल बीएसपी का ये कोई नया प्रयोग नहीं है। 1996 में इसका प्रयोग सफल हो चुका है। उसी प्रयोग पर फिर भरोसा जताया है। पंजाब में अकाली दल और बीएसपी जब मिलते हैं तो क्या होता है, उस ताकत की कहानी आज मायावती ने लखनऊ से सुनाई। इनके अच्छे संबंध होने के कारण ही सन 1996 में जब बीएसपी व शिरोमणि अकाली दल के बने गठबंधन ने लोकसभा चुनावों में पंजाब में 13 में से 11 सीटें जीती थी, तो तब उस समय वहां कांग्रेस पार्टी का लगभग सफाया हो गया था। और अब इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव में भी यही इतिहास फिर से जरूर दोहराया जाएगा और तब फिर कांग्रेस व अन्य पार्टियों का भी जरूर वहाँ सफाया हो जाएगा। लेकिन उस वक्त परिस्थिति दूसरी थी, इस वक्त हालात दूसरे हैं। पंजाब उग्रवाद से बाहर आ रहा था, यहाँ कांग्रेस विरोधी जनभावनाएं थी। इसीलिए 1997 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस केवल 14 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। लेकिन अब स्थिति अलग है और चुनावी मुद्दे भी। सच तो ये है कि मौजूदा सरकार अभी तक पिछली अकाली सरकार के कारनामों को ही भुना रही है। ऐसे में अकाली दल के लिए चुनौती कम नहीं है कि सोनिया गांधी थोड़ी लड़ाई लड़ूगी, जिसने टैंकां तोपां नाल दरबार साहब ते हमला कीता, जिसने हजारां भैण भरावां दे कतलेआम कीता, जिस पार्टी ने हले तक अपना इंसाफ नहीं देख सकी कि आम आदमी पार्टी थोड़ी गल करूगी, जिहड़ी आम आदमी पार्टी दिल्ली दी रहण वाली है, जिथों दा प्रधान केजरीवाल दिल्ली सुप्रीम कोर्ट जाके बयान दिंदा कि पंजाब दे थर्मल प्लांट बंद करो, पंजाब दे किसानां दे परचे दो कि ओह पराली साड़दे ऐ, पंजाब दा इस वेल नहर कड्डो क्योंकि पानी सानू दिल्ली चाहिदा, कि आ पार्टी थोड़ी लड़ाई लड़ूगी, कि भारतीय जनता पार्टी थोड़ी लड़ाई लड़ूगी, जिन्हें काले कानून बना के ऐसा माहौल बनाया, जिस पार्टी ने हुण दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का इलेक्शन हो गया, जित गया श्रोमणी अकाली दल, पर प्रधान नूं बन नहीं दे रहे क्योंकि सेंटर सरकार चाहती है कि उन्हां दा आदमी बने। ऐ जी इंटरफेरेंस अपने पंजाबियों की धार्मिक संस्था विच करन लगे है क्योंकि वह चाहते हैं कि श्रोमणी अकाली दल नूं कमजोर किया जाए, जो पंथ ते पंजाब दी पार्टी है। अब सवाल है, इस बार पंजाब में 4 फ्रंट खुले हैं। सबका दावा है
लेकिन जीतेगा कौन, उसका जवाब है ये मौजूदा हालात में जो पार्टी 19% जट सिख, 38% हिंदू और 32% दलित वोट में सेंध लगा दी। अब सवाल है, इस बार पंजाब में 4 फ्रंट खुले हैं, सबका दावा है, लेकिन जीतेगा कौन, उसका जवाब है ये मौजूदा हालात में जो पार्टी 19% जाट सिख, 38% हिंदू और 32% दलित वोट में सेंध लगा ले, उसकी जीत पक्की है। एक बात और जान लीजिए, 32% दलित वोट में हिंदू सिख दलित दोनों हैं और पंजाब में कुल 57% अगड़ी पिछड़े दलित सिख हैं और सभी पार्टियां जट सिख के साथ, 38% हिंदू और सभी पार्टियों की जट सिख के साथ साथ 38% हिंदू और 32% मतलब 70% पर नजर है। अकाली दल को लग रहा है चौतरफा लड़ाई में अगर 32% दलित वोट को मायावती के साथ सेट कर लिया तो बाजी बहुत हद तक हाथ में होगी। इसीलिए जब मायावती के हनुमान सतीश मिश्रा मंच से उठे तो दलितों की बात की और दलित विरोधी कांग्रेस सरकार की, जिसमें जिक्र मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का किया। उनके पतन का कारण भी बनेगा, अब दलित कठपुतली मुख्यमंत्री बनने के बनाने की राजनीतिक स्टंट से कुछ नहीं होगा, जनता सब समझती है। हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, इस कांग्रेस ने सीएम चन्नी को निर्णय लेने की शक्ति ही नहीं दी है, उनको हर दिन का कार दिल्ली के दरबार से, जो वहां के रजवाड़े की तरह दरबार बैठा हुआ है कांग्रेस का, उसके राजा देने का काम करते हैं और अगले उनके यहां पर बैठे हुए जो लोग हैं पिट्ठू हैं, वो उनका हर दिन जो है उल्लास करने का, मजाक उड़ाने का काम करते हैं, उनके निर्णयों का पलटने का काम करते हैं। कांग्रेस सिर्फ बहुजनों को वोट बैंक की तरह उपयोग करना चाहती है। हम लोगों ने, बहुजन समाज पार्टी ने, बहन मायती जी के हम लोगों ने नेतृत्व में उत्तर प्रदेश से कांग्रेस पार्टी का सफाया कर दिया। इन्हीं सब वजहों की वजह से उनका उत्तर प्रदेश में सफाया हो गया है और अब की बार इस चुनाव में यहां पंजाब से भी उनका सफाया होना निश्चित है। ये बात छिपी नहीं है, चन्नी जब से मुख्यमंत्री बने हैं तभी से सिद्धू और उनमें कई बार ठनी है। वैसे सच तो यह है कि चन्नी को 10 जनपद ने मुख्यमंत्री बनाया है, जो पंजाब में 32% दलित वोट की ताकत को समझता है। अगर 2017 की बात करें, दोआबा में कांग्रेस को 22 सीटें मिली थी जहां कुल 25 सीट है, 2 अकाली दल को मिली थी और 1 बीजेपी को। दोआबा में बीएसपी का बड़ा वोट बैंक है जिसमें कांग्रेस ने 2017 में खासी सेंध लगा ली थी। अकाली दल को उम्मीद है कि अगर बीएसपी का वोट बैंक साथ आ जाएगा तो कहानी बदल सकती है। तो काम अगे अकाली सरकार ने किए है, बहुत अच्छे किए, जिमीदारा वास्ते, गरीब वास्ते, मजदूर वास्ते। जो एक कांग्रेसी सरकार आई है, इसने तो आपसे पार्टी बंदी को साथ हमारा बेड़ा ही गर्क करके रख दी। मुद्दे की जी बात कर रहे हैं जी, क्योंकि जेड़ा भी मान लो काम अकाली सरकार ने पिछले 10 साल किया जी, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਹਦਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਤਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਮੌਕਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਈਏ ਨਾ ਆਪ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਬੈਟਰ ਰਹੂਗਾ। ਸਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਹੀ ਚਾਹਤੇ ਨਾ ਜੋ ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਥ ਤੋਂ ਕਿਸੀ ਕਾ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹਾ। ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਹਮ, ਸਾਥ ਕਿਸੀ ਕਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੋ ਹਮ ਤੋ ਯਹੀ ਚਾਹਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਕਿਆ ਹੋਗਾ। ਅਭੀ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖਤੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਹੀ ਉਤਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ ਹੈ ਇਹ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਅਭੀ अकाली दल ने इस बार कई नए प्रयोग किए हैं, बीएसपी के साथ गठबंधन हो या फिर किसान कानून वाला दांव। पंजाब के किसानों के सेंटिमेंट को समझते हुए कृषि कानून वापसी के नाम पर 25 साल पुराने गठबंधन को चट से तोड़ दिया। आज मंच से भी पंजाब के किसानों को ये मैसेज देने की कोशिश की, पंजाब में सबसे बड़े किसानों के हितैषी वही है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे देश दे कॉन्स्टिट्यूशन थल्ले एक्ट बन के इलेक्शन हुंदे है, हर बार लगातार 100 साल सिख पंथ ने श्रोमणी अकाली दल नूं सेवा दा मौका दिता। जे तुसी इतिहास देखो हिंदुस्तान विच किन्नियां पार्टियां,
ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਕੱਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹਾਦਰ ਵਰਕਰ ਹਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਕੱਲੇ 2-3 ਨਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗਰੀਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕੀ ਰਾਜ੍ਯ ਮੇਂ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਲੇਬਲ ਚਿਪਕਾ ਹੁਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰ ਕੀ ਗੁਟਬਾਜ਼ੀ ਸੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ। ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਬੜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੇਂ ਵੀ ਆਂਤਰਿਕ ਕਲਹਿ ਹੈ, ਜਿਸਕਾ ਫਾਇਦਾ ਉਸੇ ਮਿਲ ਸਕਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਮਸਲੋਂ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਸੇ ਅਬ ਤੱਕ ਘੇਰਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ ਮੁੱਦੋਂ ਕੋ ਲੇਕਰ ਆਜ ਕਈ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੀਏ। ਜੈਸੇ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋਣੇ ਪਰ ਫਸਲੋਂ ਕਾ ਬੀਮਾ ਕਰੇਂਗੇ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰੇਂਗੇ, ਮੰਦਿਰ ਮਸਜਿਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਰਜਾਘਰ ਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕੇ ਅਲਗ ਸੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਏਂਗੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣੇਗੇ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਕੋ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰੇਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਐਸਪੀ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀ ਘੜੀ ਆਏ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਆਮ ਕੀਤੀ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਆਮ ਕੀਤੀ, ਐਕਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ 400 ਯੂਨਿਟ ਹਰ ਐਸਸੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਬੀਸੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਹਰ ਜੈਂਡਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ 400 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 80% ਲੋਕ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਾਲਜ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕੋਈ ਕਾਲਜ 50,000 ਰੁਪਏ ਮੰਗਦਾ, ਕੋਈ 1,00,000 ਮੰਗਦਾ, ਕੋਈ 2,00,000 ਮੰਗਦਾ, ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਏ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 1,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੀ ਗਰੰਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹਦਾ ਵਿਆਜ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਭਰੂਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ, ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਉਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭੇਜੇਗੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹ 15 ਸਾਲ 'ਚ ਮੋੜ ਸਕੇਗਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। आज सुखबीर बादल ने पंजाब की राजधानी का मुद्दा भी उठा दिया, जो कई सालों से पंजाब का हॉट टॉपिक रहा है। अपना ऐडा बड़ा सूबा है, अपनी कोई राजधानी आज तक नहीं आया। सारे हिंदुस्तान में सारे सूबियां दी राजधानियां
ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਜਾਦੀਆਂ ਪਾਵਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਟਰੂ ਫੈਡਰਲ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਲੜਾਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੜਦਾ ਰਹੇਗਾ ਪਾਰਟੀ ਕੇ 100 ਸਾਲ ਹੋਣੇ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨੋ ਕੀ ਝੜੀ ਲਗਾ ਦੀ ਹੈ दलित किसान सब फॉर्मूला चला है लेकिन ये काम कितना करेगा देखना होगा क्योंकि पंजाब की सियासत का अभी तक जो रुझान रहा है दलित वोट किसी एक का नहीं रहा है दलित वोट बटा हुआ है और जट सिख भी अपना अपना हित देखकर ही वोट करते हैं इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर